हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके बताओ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा, जो कि एलोवेरा आप सभी लोग जानते होंगे और इसको किस तरह से अपने चेहरे पे अप्लाई करना है वो नहीं जानते होंगे, तो वो जानने के लिए मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं एलोवेरा लीफ को पकड़ी हूँ और इसको मैं भी काटूंगी अच्छे से, चाकू से क्लीन करूंगी। मैं एलोवेरा को काट लिया चाकू से और इसके अंदर से पॉइजन निकल रहा है, तो 5 मिनट के लिए मैं ऐसे रख दूंगी। इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है धो के, इसके अंदर जो पॉइजन है वो बाहर निकलना चाहिए, बहुत ही करवट रहते हैं वो पॉइजन। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैं एलोवेरा को पूरा क्लीन कर लिया और उसके बाद मैं अपने चाकू से इसको छील कर उतार के देखिए, और आप लोग जब कीजिएगा तो संभाल के, बहुत फिसलता है। देख सकते हो कि मैं इसका भी पेस्ट बना रही हूँ। देखिए। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मुंह को अच्छी तरह से फेस ब्रश से क्लीन करना है, जैसे कि मैं हिमालय नीम फेस ब्रश यूज करती हूँ, जोशी यूज करता है उसी फेस ब्रश से ऐसे पूरे मुंह को धो के, जैसे कि मैं धो लिया। देखिए, एक चम्मच पेस्ट ले रही हूँ एलोवेरा का, उसके बाद जाके देखिए हल्दी पाउडर है जो कि अपने किचन में सबका आसानी से मिल जाएगा। और मुझे क्या लेना है, 2 टिप, चम्मच से लेने से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टिप मुझे हल्दी लेना है। देखिए इसको क्या करना है, अभी मिक्स करना है। अंदर मैं 2 बूंद नींबू का रस देंगे, देख सकते हो हो गया। तो अभी इसको भी करना है मिक्स। देख सकते हो कि मेरा पेस्ट बनके तैयार हो गया, अब देखिए कैसा है। अब देखिएगा कि मैं एक साइड पे लगा रही हूँ और एक साइड में मैं नहीं लगा रही हूँ, अब देख सकते हो फर्क, देख सकते हो। थोड़ा टाइम मैं मसाज करूंगी ऐसे धीरे धीरे करके, इसको 5 मिनट के लिए सुखाने रखूंगी, उसके बाद मैं धो के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। क्लीन करके आई हूँ और आप लोगों को फर्क देख ही रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो फर्क नजर आ रहे हैं। देखिए, इस साइड में लगाई थी और इस साइड में नहीं लगाई, देखिए इस साइड ज्यादा क्लीन लग रहा है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं हाफ टमाटर ली हूँ, और जो कि टमाटर अपने बहुत ही आसानी से अपने किचन में मिल जाते हैं। सो मैं इसके ऊपर डालूंगी एलोवेरा जो कि पेस्ट बनाई थी। इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, तो अभी मैं पूरा मुंह पे लगाऊंगी, मतलब पूरा जगह चेहरे पे। आप चाहे तो गर्दन पे भी लगा सकते हो। अभी इसको मैं 10 मिनट तक सुखाने देती हूँ, उसके बाद धोऊंगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं धो के आई हूँ चेहरा, और देखिए पहले से कितना ग्लेज मारा है मेरे चेहरे पे, आप लोगों को फर्क दिख रहे होंगे। जिन लोगों का आंखों के साइड से काला है बहुत ज़्यादा, वो लोग ये एलोवेरा, बस खाली एलोवेरा यूज कीजिए, वो भी कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपने बालों पे भी यूज़ कर सकते हो एलोवेरा। उसके साथ क्या करना है,
थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करना है, कोई भी थोड़ा थोड़ा करके पूरा बालों को मसाज करना है, धीरे धीरे करके पूरा जगह बालों पे मसाज करना है, पूरा जगह बालों पे अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब पूरा बालों से फ्रेंड्स मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हाउसफुल रहेगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।